एवरीवन, मायसेल्फ निशा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी में इसको बोलते हैं समय और कार्य। हिंदी में इसको बोला जाता है समय और कार्य। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से एक क्वेश्चन यानी कि एक नंबर या फिर बोल सकते हैं एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% आता है। सेम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक हमारे पास होता है जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स। पाइप एंड सिस्टर्न्स हिंदी में बोलते हैं इसको पाइप और टंकी। ये वाला टॉपिक अगर हमने कंप्लीट कर लिया टाइम एंड वर्क का तो डिट्टो इसी के जैसा हमारे पास एक और टॉपिक होता है पाइप एंड सिस्टर्न्स का। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ते हुए हम एक तरह से दो टॉपिक्स को तैयार करेंगे, एक तो टाइम एंड वर्क को और एक पाइप एंड सिस्टर्न्स को। इसका मतलब टॉपिक अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा प्लस दूसरे टॉपिक को समझने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। ये वाला जो टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न्स का ये लगभग 80-90% जो है इसी के ऊपर टोटली डिपेंड है, इसी के ऊपर टोटली डिपेंड है, पूरा का पूरा इसी तरह का टॉपिक है। थोड़ी सी नई टर्म्स आएंगी वहां पर, उन टर्म्स को हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो हमें हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम टॉपिक को, कोई नई चीज कोई नई टर्म यूज होगी उसको हम लोग क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। इस वाले टॉपिक के अंदर हमारी कम से कम 6-7 टाइप बनती है, अलग अलग टाइप है। स्टेप बाय स्टेप हर टाइप को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है तो कैसे सॉल्व करना है। सारी की सारी टाइप्स को हम लोग स्टेप वाइज कंप्लीट करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसके अंदर देखो क्या दिया है। इसे बोला है एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है, 36 दिन में उस कार्य को पूरा करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके एक एक स्टेप को खोल के बता देती हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। ए दे रखा है उसका नीचे लिखना है टाइम, बी जो दे रखा है उसका टाइम नीचे लिखना है। मान लो यहाँ पर एक और बंदा होता कोई सी तो उसका हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेते। सबसे पहली और सबसे इजी स्टेप यही है, जिसका जितना जो टाइम पीरियड दे रखा है उसको हमें नोट करना है। अगला स्टेप है हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 36। एलसीएम कितना आएगा, 36। 12 से करेंगे कितने पे, 3 पे, और यहां से कितने पे आएगा, 1 पे। ये क्या किया हमने, देखो सबसे पहले ए बी सी डी जितने भी बंदे हैं सबका उनके नीचे टाइम नोट करना है, कौन कितनी देर में कौन कितने घंटे में काम को पूरा करता है। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेना है। उसके बाद 12 36 से कितने पे जाएगा, 3 पे, और 36 36 से कितने पे जाएगा, 1 पे। ये सब तो हमने कर लिया, अब इन सब का मतलब क्या है वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इतना तो कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितने पे जा रहे, सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, बेसिक है सब कुछ। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखो ये जो हमारे पास एलसीएम आता है इसका मतलब है ये टोटल वर्क है। जो भी हमारे पास एलसीएम होता है, मैं लिख देती हूँ एलसीएम इक्वल्स टू 36 इक्वल्स टू टोटल वर्क। जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होगा। हिंदी में भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कुल कार्य, ठीक है। ठीक है, अब जो ये है ये क्या है, ये जो और चीजें हैं ये क्या है हमारे पास में। ये 3 का मतलब क्या है कि जो ए भाई साहब है वो एक दिन में 3 काम करता है। जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है। सेम ऐसे ही ये 1 का मतलब भी क्या हुआ कि जो बी है वो एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है। टोटल काम कितने करने हैं, दोनों ने 36 करने हैं, जिसमें ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और जो बी है वो एक दिन में एक ही काम करता है। इन सब चीजों का मतलब समझ आया कि जो एलसीएम लिया है उसका क्या मतलब, कितने पे गया है उसका मतलब क्या हुआ। थोड़ी सी ना कंफ्यूजन रहती है इन टर्म्स के बीच में, टोटल किसको माने किसको कितना माने, तो सारी चीजें क्लियर कर दी है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो
जो हमारे पास एलसीएम आया है वो है टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है, ठीक है, जितने पर भाग गया है, यानी कि ए जो है वो एक दिन के अंदर, ए ने टोटल 12 दिन तक काम किया है जिसमें एक दिन में वो 3 काम करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही बी ने 36 दिनों तक लगातार काम किया है और एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम उसने किया है। ये इन सब चीजों का मतलब हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, टोटल कार्य कितना है 36, किससे कराना है, ए प्लस बी दोनों से मिलकर हमें इस काम को करवाना है। तो ए प्लस बी कितना, एक दिन में ए 3 काम करता है, एक दिन में बी 1 काम करता है, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में टोटल 4 काम करते हैं, है ना, एक दिन में दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं, तो टोटल 36 काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करा देंगे, है ना। इसको मैं अगले स्टेप में ही नोट कर लेती हूं ताकि कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो टोटल काम 36 है, एक दिन में कितने काम करते हैं 4 काम, है ना, 4 ने 36, यानी कि टोटल उनको कितना टाइम लगेगा सारे के सारे काम कंप्लीट करने में, 9 डेज, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ आया फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक समझ आया होगा। सारी चीजों को, एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया है, किसको कैसे क्या उतारना है, एक एक चीज को बहुत ही डिटेल से समझाया है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हमारे एसएससी के रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जो अलग अलग डेट्स में अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराए गए हैं, उन सभी के रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जैसे हमारा 2022 का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, और वो भी कब का है, सीएचएसएल का, किसका एग्जाम है, सीएचएसएल का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, ना भी समझ आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस जो है समझ आते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या बोला है, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। पिछली जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, उसके अंदर बोला था कि जो भी बोला गया है उसके नीचे उतार दो। जैसे ए 5 दिन में करता है तो ए उसके नीचे 5 लिख दिया था, बी 8 दिन में करता है तो बी उसके नीचे 8 लिख दिया था, इस टाइप से क्वेश्चंस कर रहे थे। सेम चीज यहां पर फॉलो करनी है, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करते हैं, और कितने टाइम में, 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। इतना हमने क्वेश्चन कर लिया, जबकि ए अकेला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है, है ना। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन, कितने समय में पूरा करेगा या कितने टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करेगा। सबसे पहला हमारा वही बेसिक स्टेप, दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है, यानी कि एलसीएम वाली चीज क्या होती है हमारे पास में, कुल कार्य, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, टोटल कितना वर्क है, टोटल 36 काम करने हैं, ठीक है, 12 से 3 पे, 18 से 2 पे। इसका मतलब ये हुआ, टोटल 36 काम है, और जो ए है ना, मैं यहां लिख देती हूं, जो ए है वो एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है, और ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और देखो ए और बी मिलकर के 3 काम करते हैं, और ए अकेला 2 काम कर रहा है, तो बी ने कितने काम किए हैं, 1 काम, बी ने कितने काम किए हैं, 1 काम किए हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है बी अकेले उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, टोटल जो वर्क है वो किससे करवाना है, बी से करवाना है। बी की क्षमता कितने की है, 1 की है, 36/1, आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहां से, 36 days, आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहां से, 36 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, 36 days इज आवर राइट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक ही टाइप है एक्चुअली, इसी के ना थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, किसी में थोड़ा सिंपली क्वेश्चन पूछ रखा है, तो टाइप फर्स्ट डे है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज एक ही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी लेवल वाइज क्वेश्चन को हमने रख रखा है। ये वाला क्वेश्चन भी किसका है, हमारा सीएचएसएल का है, 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इसको रीड करते हैं, क्या दिया है, देखो ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए के नीचे कितना आएगा, 15,
लेकिन बी की मदद से इसे 9 दिन में कर सकता है। बी की मदद लेगा मतलब दोनों भाई मिलके काम करेंगे, ए और बी मिलके काम करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 9 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, अभी जो क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर क्वेश्चन है, बस डिजिट को चेंज कर रखा है ना। यहां से देखो कितना आएगा, 15 × 3 = 45 ले लो एलसीएम, 3 × 5 = 45। ये क्या है हमारे पास में कुल कार्य, ये क्या है हमारे पास में टोटल वर्क कितना है, है ना। अब देखो ए जो है वो एक दिन में कितने काम करता है, ए जो है यहां लाइन लगा के मैं लिख देती हूँ, ए एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 3 काम, और ए और बी मिलकर के 5 कर रहे हैं, इसका मतलब बी अकेला कितने करेगा, 2, तभी तो ए प्लस बी मिलकर कितना बनेगा, 5 बनेगा, है ना। समझ आया कि बी का अलग से कैसे निकालना है। देखो ए जो है वो 3 काम करता है और ए और बी मिलके 5 काम करते हैं, तो तभी तो ये 3 और 2 5 बनेंगे ना, जब बी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2। यानी कि हमारा क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि टोटल 45 काम है, जिसमें से कि ए जो है वो एक दिन के अंदर 3 काम करता है और जो बी है वो एक दिन के अंदर 2 काम करता है। अब उसने पूछा है बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ये जो टोटल काम है 45 काम, ये किससे करवाने हैं, बी से हमें करवाने हैं। बी की क्षमता यानी कि कैपेसिटी कितनी है, एक दिन में 2 काम कर सकता है, क्या आएगा 2 × 4 = 4.5, उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, 22.5 दिन। टोटल कितने उसको डेज में उसको कंप्लीट करेगा, 22.5 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। इसने बोला है अरुण अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और शमा अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकती है। लिख लेते हैं, अरुण कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और शमा के से स्टार्ट होती है, शमा है ना, इसको बोल देते हैं 15 दिन में कंप्लीट करती है। इसका एलसीएम कितना आएगा, यहां से 15 × 4 = 12 × 5 = 60। यदि अरुण और शमा एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है कि जो टोटल वर्क है वो किससे कराना है हमें, इन दोनों को मिला करके। अरुण एक दिन में 5 काम करता है, शमा एक दिन में 4 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 × 4 = 9, है ना। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 0, 3 से जाएगा 6 पे और 2/3। आंसर कितना आएगा, 6 सही 2/3, 6 × 2/3 days, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है। राम और श्रावण एक साथ मिलकर काम करते हुए 5 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं, दोनों को मिलकर के बोल रखा है, इसका मतलब दोनों को प्लस में हमें लेना है। राम और शाम या श्रावण जो भी है, दोनों मिलकर के कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 5 घंटे में, है ना। जबकि राम अकेले उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। श्रावण को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, सेम मेथड, एलसीएम कितना, 6 × 5 = 30, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 6 पे। अब यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसने पूछा है श्रावण को अकेले, देखो राम कितना काम करता है एक दिन में, 5 काम, और दोनों मिलकर के 6 करते हैं, इसका मतलब शाम या श्रावण जो भी है वो एक दिन में कितने काम करेगा, 1 काम करेगा, तभी तो 5 और 1 टोटल मिला करके कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला था, श्रावण अकेला काम को, श्रावण जो है वो अकेला इस पूरे के पूरे काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। श्रावण की वैल्यू कितनी है, 1, 30/1। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 30 days। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 30 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखो क्या है। इसने बोला है ए बी और सी एक काम को 5, 6 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी, ये करता है 5 दिन में, ये करता है 6 दिन में, और जो सी है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में। एक साथ कार्य करते हुए वे इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त
करेंगे. सेम मेथड है, सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम. सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60, यानी कि 60 क्या है हमारे पास में कुल कार्य, 60 क्या है हमारे पास में टोटल वर्क, है ना. यहां से देखो या 30 भी तो ले सकते हैं ना, 30 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत ना आए. 30 क्या है हमारे पास में एलसीएम, 3 पे 6, 5 5 6 के 30. ए जो है एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा, और जो सी है वो एक दिन में कितने 3 काम करेगा, है ना. क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे. ये जो 30 काम है ये किससे कराने हैं, ए प्लस बी प्लस सी से. कर लेते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 5 11 और 3 14, है ना. यहां से कितना जाएगा हमारे पास में, 2 से 7 पे, 2 से 15 पे, 7 14 और 1/7. आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 2 ही 1/7, यानी कि 2 × 1/7. ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर. सारे के सारे इजी क्वेश्चंस है, सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस है, है ना. सिमिलर इन द सेंस ये हमारी टाइप 1 है, तो टाइप 1 के अंदर क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करके या क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछ सकता है, यानी कि टाइप 1 की भी 2 से 3 सब टाइप है. तो सारी चीजें इस वाली क्लास के अंदर हमने कवर करनी है. इस ये वाला क्वेश्चन भी किसका है, हमारा एसएससी सीएचएसएल 2022 का, यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है. देखो, यदि प्रिया और रेनू एक काम को 12 घंटे में कर सकते हैं अपनी अपनी नियमित गति से कार्य कर, और प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में कर सकती है. प्रिया और रेनू P प्लस R, ठीक है, ये कितने में करते हैं, 12 घंटे में कर सकते हैं, और प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में कर सकती है. प्रिया अकेले उस काम को 18 घंटे में कर सकती है, तो रेनू अकेले उस काम को कितने घंटे में कर सकती है. सेम मेथड है, एलसीएम कितना आएगा, 36, 3 पे ये जाएगा 2 पे. ये क्या आया है हमारे पास में, टोटल वर्क इतना है. अब क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, कि जो टोटल काम है वो रेनू अकेले कितने टाइम में करेगी. प्रिया एक दिन में कितने काम करती है, 2 काम. प्रिया और रेनू मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, इसका मतलब रेनू एक दिन में 1 काम करेगी, तभी तो 2+1 कितना बनेगा हमारे पास में, 3 बनेगा, है ना. अब देखो, टोटल काम 36 किससे कराने हैं, रेनू से. रेनू की कैपेसिटी यानी कि रेनू की क्षमता कितनी है, 1 की. 36/1 यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 36 डेज. हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 36 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसको रीड करते हैं. क्या दिया है, एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है, एक काम को 15 दिन में कर रहा है. बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है, ठीक है. बी कितने में कर रहा है, 21 में कर रहा है, ठीक है. यदि वे एक साथ कार्य करते हुए करते हैं तो समान कार्य कितने दिन में पूरा होगा. सेम मेथड है, एलसीएम लेंगे. अब देखो, एलसीएम है 15 और 21 का, कॉमन क्या है, 3. 3 से जाएगा 5 पे, ये जाएगा 7 पे, है ना. ये जाएगा हमारे पास पे 7 पे. इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3, 5 और 7, ये हमारा एलसीएम है, है ना. अब 15 बनेगा, 5 × 15 यानी कि इसका कितना आएगा, 7, और 21 बनेगा, 7 × 21 यानी कि बी जो है वो एक दिन में कितने काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा. अब क्वेश्चन ने पूछा था समान कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, है ना. यहां से कितना आएगा हमारे पास में, 105, 15 साथ 105, दोनों को मिलकर के करना है, है ना. तो समा एक साथ कार्य करते हुए दोनों को मिलकर के करने हैं 105 काम. मैं यहां लिख देती हूँ इक्वल्स टू 105. कितना आएगा, 105 काम, ए प्लस बी, 7 और 5, 12 से हमें कराना है. यहां से जाएगा हमारे पास में 12 × 96, 8 से कुछ आएगा, 12 × 96, 5 × 4, 9, है ना, और 12, 3 × 9, 3 × 12, 8 × 4, 8 × 3/4 डेज. ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी इज आवर
राइट आंसर. 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब जो क्वेश्चंस होंगे उनको इतना ज्यादा एक्सप्लेन, इतना ज्यादा खोल के नहीं लिखना है. अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है. उनको हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्या है क्वेश्चन नंबर 10th को रीड करते हैं. क्या दिया गया है? एक टायर में 2 पंचर होते हैं. अकेले पहले पंचर ने टायर को 45 मिनट तक समतल कर दिया होता. जो पहला टायर है मैंने ए मान लिया, उसने कितनी देर तक उसको समतल किया है? 45 मिनट्स तक. और दूसरा पंचर अकेले 90 मिनट तक कर देता. और जो दूसरा पंचर है उसने कितने टाइम तक किया है उसको? 90 मिनट तक किया है. यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती तो दोनों पंचरों को एक साथ टायर को सपाट बनाने में कितना समय लगता? मतलब दोनों को अगर एक साथ काम करना है तो कितना टाइम लगेगा? सेम मेथड, एलसीएम कितना आएगा? 90. ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 1 पे. जो क्वेश्चन है उसमें बोलना चाह रहे हैं कि अगर वही टोटल काम दोनों ने मिलके किया होता, ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में टोटल कितने काम करेंगे? 2 + 1 = 3. तो 90 काम जब 3 से कराएंगे तो कितने टाइम लगेगा उनको? 30 मिनट का टाइम लगेगा. यानी कि टोटल कितना, आंसर कितना बनेगा हमारे पास में? 30 मिनट्स. ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11th. इसमें देखो क्या दिया है. इसने बोला है ए एक काम को इतने दिनों में समाप्त कर सकता है. हल्की सी ना नई सब टाइप आई है. देखो ये हमारी ना टाइप फर्स्ट है, जिसके अंदर हम लोग टाइप फर्स्ट के कम से कम ये हमारे पास आई थिंक कितने क्वेश्चन है आज? 14 क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट के. तो इन 14 क्वेश्चन में भी ये नहीं है कि 14 के 14 सेम क्वेश्चन है. इसके अंदर 5 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, फिर जो 3-4 क्वेश्चन है वो उसी की दूसरी सब टाइप है ना. उसके बाद जैसे कोई क्वेश्चन है, मतलब प्रोसेस जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड तो वही है, लेकिन इसकी सब टाइप के अंदर ये है कि अगर क्वेश्चन की वैल्यू इसकी जगह, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इजी सी वैल्यू थी, ऐसे ना दे के बड़ी वैल्यू दे दे तो कैसे एलसीएम लेना है. फिर बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर एलसीएम की फॉर्म में दे दे, फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू दे दे तो कैसे सॉल्व करना है. तो ये बोल सकते हैं 11th क्वेश्चन से हमारे पास एक नई सब टाइप आई है क्वेश्चन की. इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना. एक काम को 7.5 दिन में कर सकता है. सेम जो अभी तक बताया है बिल्कुल सेम करना है. फ्रैक्शन को देख करके घबराना मत, कोई गलती मत कर देना, बस स्टेप बाई स्टेप स्मूथली एक बार देखते जाना है. 7 × 14 = 15/2, है ना. जबकि बी उसी कार्य को 10.5 दिन यानी कि 21/2 दिन में पूरा करता है. यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वही कार्य कितने दिन में पूरा होगा? मैम ये तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. अलग क्या है कि ये वाली वैल्यूज फ्रैक्शन में दे रखी है. फ्रैक्शन में या पॉइंट में दे रखी हो तो कोई भी छेड़छाड़ करके क्वेश्चन को खराब मत करना. बहुत स्मूथली बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बस 2 मिनट ध्यान से देखना, ठीक है. मानो ही मत कि ये नीचे 2 दे रखा है. इसको जस्ट इमेजिन करो 15 और 21 दे रखा है. ए जो है उसकी वैल्यू 15 दे रखी है, बी की वैल्यू हमें 21 दे रखी है. एलसीएम कितना आएगा? 15 और 21 का एलसीएम हमारे पास अभी अभी निकाला था 3 से. मैं यहां देख ही लेती हूँ. देखो इसको थोड़ा ऊपर करेंगे. 15 और 3 वाला एक केस हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था. 15 और 21 वाले में कितना एलसीएम आया था? 105, है ना. एलसीएम कितना आता है इस केस के अंदर हमारे पास में? 105. दैट इज अवर 105. देखो ही मत नीचे क्या वैल्यू है. 2 की जगह पर यहाँ 8 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी वैल्यू हो, नीचे वाली वैल्यू से यानी कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है. सिर्फ और सिर्फ अपर लेवल पर यानी कि न्यूमिनेटर पर क्या वैल्यू है उन दोनों को इमेजिन करके उन दोनों के एलसीएम लेके हमें नोट डाउन करना है, ठीक है. अब देखो इससे पीछे वाले क्वेश्चन पर ही चलती हूं. ये जो 90 था ये 2 कैसे आया? 90 से जो ये 90 दे रखा है ना,
90 से ये दो कैसे लाई, क्योंकि 90 जो है टोटल वर्क को ए जितना टाइम लेता है उससे मैम हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, इसी वजह से ये 2 आया है ना। सेम इस केस में ये 1 क्यों आया है, क्योंकि टोटल काम 90 था और बी जो है वो टाइम भी 90 का ले रहा था, तो कट के हमारा आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। सेम इसी केस में करना है, इस केस में भी देखो 105 है ठीक है, इसको डिवाइड कराएंगे किससे, 15/2 से, 15/2 है ना, 15/2, ये 2 क्या होगा ऊपर चढ़ जाएगा, 15 से करें 7 से, 7 × 14 समझ आया। इसमें और देखो क्या है, 105 है इसको किससे कराना है, 21/2 से, तो 21 तो इसके डिवाइड में और 2 जो है वो ऊपर जाएगा और ये जाएगा हमारे पास में 7 से कर लो, 7 × 21 7 × 15 और ये जाएगा 3 × 5 पे 5 × 10 ये समझ आया। 10 और 14 कैसे आया, 10 और 14 कैसे आया ये समझ आया, बहुत ईजी है, कुछ भी नया नहीं किया, अभी तक के क्वेश्चन में जैसे कर रहे थे सेम मैथड यूज किया है ठीक है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को देख के कभी भी घबराना नहीं है, इजी से क्वेश्चन है। पूछा क्या है, दोनों साथ मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम कितने हैं 105, दोनों साथ मिलकर के 14 और 10 कितना होगा 24, 14 और 10 कितना होगा 24, यहां से कर लेते हैं 5 और 1 6, 3 से जाएगा 8 पे, ये जाएगा 3 × 9 3 से जाएगा 5 पे, 8 × 4 = 32 और यहां से कितना 3/8 4 सही 3/8 इतने डेज, आंसर कितना आएगा हमारे पास में 4 × 3/8 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी किसका है, हमारा एसएससी एमटीएस का 2021 का, यानी कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड रिसेंटली जो भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के अलग अलग लेवल के अलग अलग डेट में अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम्स हुए हैं सारे के सारे उनके क्वेश्चंस हमारे पास है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है फिर, अच्छा थोड़ा सा चेंजमेंट और है क्वेश्चन में, देखो ये नई टाइप है ना, ये नई टाइप है, इसमें देखो क्या है, ए एक काम के इतने भाग को 3 दिन में करता है, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व उसमें ये था सीधा कि ए जो है वो एक काम को 3 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है, इस टाइप से था। तो एक काम को 3 दिन में करता है इसका मतलब वहां पर कंप्लीट काम की बात हो रही थी, है ना, टोटल काम की बात हो रही थी वहां पर, लेकिन इसने टोटल नहीं बोला, इसने बोला है काम का 1/5 हिस्सा 3 दिन में करता है, ए जो है वो काम का 1/5 हिस्सा 3 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, 3 डेज के अंदर उसको कंप्लीट करता है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो अलग टाइप आ गई, ये तो हमारे पास नई टाइप आ गई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनना। कोई भी वर्क होता है, कोई भी वर्क होता है हमारे पास में वो टोटल कितना होता है 1, है ना, कोई भी काम है वर्क को हमेशा कितना मान के चलते हैं हम लोग ठीक है, इसका मतलब एक काम है तो 1/5 हिस्सा जब 3 दिन में करता है तो क्यों ना मैं इसको पूरा 1 बना दूं, 1/5 से 1/5 से मुझे 1 बनाना है तो क्या करूंगी, 1/5 से अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई करा दूं कि इससे ये कैंसिल होके सिर्फ 1 बच जाएगा, सेम मल्टीप्लाई इधर भी करानी पड़ेगी, एक साइड थोड़ी कर सकते हैं मैथ्स में, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि एक ही साइड कर दे, रूल ये बोलता है अगर कोई भी चेंजमेंट हम लोग करते हैं तो इज इक्वल टू कि इधर भी होगा उधर भी होगा, यानी कि 5 × 15 दिन, एक काम कितने में होगा 15 दिन के अंदर, यहां से कितना आ गया 15 डेज, समझ आया। देखो क्वेश्चन ने बोला था ए एक काम का 1/5 3 दिन में पूरा करता है, 1/5 3 दिन में पूरा करता है, हमें नहीं पता कितना भाग है क्या है, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी कंडीशन पर करेंगे क्या कि कंप्लीट काम कितने दिन में करता है वो हमें पता हो, ये वाले क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक ही कंडीशन पर सॉल्व करेंगे, हमें ये बता दो कि टोटल काम कितने दिन में पूरा किया है, फिर जो पूछोगे हम लोग निकाल के दिखा देंगे ठीक है। अब देखो 1/5 तीन दिन में करता है तो इसको टोटल 1 बनाना है, 1 कैसे बना सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं तो यहां मल्टीप्लाई बाय 5 की है तो उधर भी होनी है ना, तो यहां पे तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि एक काम 5 × 15 दिन में होता है ठीक है। आगे चलते हैं, यहां तक का क्वेश्चन हो गया,
और बी इसी काम के एक बटे चार को, बी इसी के एक बटे चार को 7.5 दिन के अंदर करता है। यहां पर भी एक बटे चार है, इस चार को मुझे हटाना है, क्या करें, इस चार से गुना करा दो, तो यहां भी चार से गुना करानी पड़ेगी, कितना आ जाएगा यहां से 30 डेज, यानी कि बी जो है वो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 दिन के अंदर पूरा करेगा। यहां तक का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आगे देखो क्या है, एक साथ काम करते हुए ए और बी को काम का 4/5 भाग पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। अब सेम क्वेश्चन है, यहां तक का क्वेश्चन होने के बाद अब हमारा क्वेश्चन सेम है, जो हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप का है, बस ये जो नई टाइप थी ना उसने इतना ही काम हमारा बढ़ाया है। अब सारे के सारे स्टेप्स पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले एलसीएम 30, ये जाएगा 1 पे, और 15 × 30 है ना। ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है। अब क्वेश्चन ने पूछा है ए और बी काम का 4/5 भाग, जो भी काम दे रखा है उसका 4/5 भाग किससे कराना है, ए और बी यानी कि ए प्लस बी से करवाना है। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3, 2 × 1 = 3 ना, यानी कि इतना काम किससे करवाना है, 3 की कैपेसिटी से, 3 की क्षमता से हमें करवाना है। 3 से जाएगा 10 पे, 5 से जाएगा 2 पे, 4 से जाएगा 2/8 है ना, यानी कि टोटल कितने डेज में काम कंप्लीट होगा, 8 डेज के अंदर, 8 दिन के अंदर काम जो है वो पूरा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, है ना। ये वाला भी किसका है, एसएससी सीएचएसएल का 2022 का, यानी कि सारे के सारे हमारे रिसेंटली 2 से 3 साल के ही हैं, बस इससे पुराने भी नहीं है, 2 से 3 साल पुराने ही क्वेश्चंस है, इससे ज्यादा पुराने भी नहीं है कि हमें क्वेश्चंस के पैटर्न का ही ना पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चंस है, ताकि हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को करने में इजीनेस हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसने बोला है एक काम का 1/4 5 दिन में कर सकता है। ए जो है देखो 1/4 कितने में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है ना। इस चार को हटाना है तो यहाँ 4 से भाग कराऊंगी, यहाँ भी 4 से भाग होगी, यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा काम आ गया, लेकिन यहाँ पर 5 × 20, इसका मतलब ए जो है वो पूरा का पूरा काम 20 दिन में पूरा करता है, 20 डेज में उसको कंप्लीट करेगा। और बी 2/5 काम को, बी जो है वो 2/5 काम को कितने में कंप्लीट करता है, 10 दिनों में पूरा करता है। अभी तक देखो क्या था, 1/4, 1/8 इस टाइप के हमारे पास में फ्रैक्शन था, अब क्या है 2/5 है, सेम है, कुछ चेंजमेंट ज्यादा नहीं करना। 2/5 से मुझे 1 बनाना है, तो क्या करें, मैम इसकी 5/2 से मल्टीप्लाई करा दो कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बन जाएगा, 1। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई, 2 से जाएगा कितने पे, 5 पे, 5/5 = 25, यानी कि बी जो है वो उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 25 दिन के अंदर उसको पूरा करेगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो यहां तक का हमने कर लिया, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर के, है ना, दोनों का निकालना है। एलसीएम कितना, सेम मेथड है, अब यहां तक का क्वेश्चन हो गया, बस नई टाइप की वजह से इतना ही एक्स्ट्रा हमें काम करना पड़ा है, इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, है ना। 20 से जाएगा 5 पे 25 × 100, ठीक है, टोटल काम 100, किससे कराने हैं, दोनों को मिलकर के करने हैं, 5 और 4 = 9, 100 काम 9 की क्षमता से, है ना, 100 काम किससे कराने हैं, 9 की क्षमता से कराने हैं। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 11 सही 1/2, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 11 × 1/9 days, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं, क्या बोला है, एक काम का 40% 6 दिन में पूरा कर सकता है। कहने को तो सिमिलर क्वेश्चन है, अभी जो कर रहे थे ना 1/5 इतने में करता है, 2/5 इतने में करता है, कहने को तो सिमिलर क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा चेंजमेंट है, दो मेथड बनेंगे इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों मेथड बता देती हूँ। इसने बोला है 40% 6 दिन में करता है, ठीक है,
40% जो है वो 6 दिन के अंदर करता है। हमें पता है काम पूरा एक होता है और उसमें परसेंटेज में काउंट करें तो काम टोटल कितना होता है 100%। 1% काम इतने में, तो 100% काम कितने में होगा, यहां से निकालते हैं। ये जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, 2 से जाएगा 3 पे 5 = 15। ए जो है वो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 15 दिन के अंदर पूरा करेगा। ये था फर्स्ट वाला मेथड। इसी को हम लोग क्या ऐसे नहीं कर सकते, देखो 40% इसको खोल के क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/5। 2/5 छह दिन में करेगा तो इसकी 5/2 से गुना कराएंगे, है ना, 5/2 से गुना कराएंगे ना, ताकि 1 बच जाए और ये जाएगा 3 पे 5 = 15। यहां से भी सेम आएगा, इसको मैं अलग से मेंशन कर देती हूँ, यहां से भी सेम आएगा और इस वाले मेथड से भी सेम आएगा। किसी से भी हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, जबकि बी 7.5 दिनों में काम पूरा कर सकता है, ठीक है, बी जो है वो कितने में, 7 × 14 = 15/2 में काम को पूरा कर सकता है, काम को कंप्लीट कर सकता है, है ना। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने टाइम में काम कंप्लीट होगा। सेम मेथड है, एलसीएम लेना है। एक क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुकी हूं कि फ्रैक्शन है तो एलसीएम कैसे लेना है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, इसको मानो ही मत कि नीचे कुछ भी वैल्यू है। इसको मान लो 15 है, ये भी 15 है, एलसीएम कितना आएगा 15 कितना आएगा 1। अब ये देखो 15/15 2 जो है वो ऊपर जाएगा, यहां पर कितना बचेगा हमारे पास में 2, यानी कि 15 काम किससे कराने हैं, दोनों को मिलकर के करने हैं, 2 × 3 यहां से कितना आएगा हमारे पास में 5 days, दोनों मिलकर के पूरा का पूरा काम कितने दिन में उसको कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में उसको समाप्त करेंगे, 5 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को बोल सकते हैं क्या राइट आंसर है, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। ये भी किसका है, हमारा SSC MTS 2021 एंड इवनिंग शिफ्ट 2021 का क्वेश्चन है, SSC MTS का, यानी कि सारे के सारे जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है नहीं, इसका मतलब इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब हमारी आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। आज हमने कंप्लीट किया है, इनफैक्ट एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट किया है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जो कि खुद तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस में ये भाई है किसका, पाइप एंड सिस्टम्स का, पाइप एंड सिस्टम्स का भाई है। अगर हमें ये टॉपिक आता है तो ये अपने भाई को हेल्प समझने में हमारी बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही इजी सा इनफैक्ट इंटरेस्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क का, है ना। आज हमने एक टाइप की है कहने को तो, लेकिन एक टाइप के अंदर छोटी छोटी चीजें क्या क्या पूछ सकता है, उसी एक टाइप के अंदर क्या कुछ नया ऐड करके एग्जामिनर पूछ सकता है, उसी एक टाइप के अंदर क्वेश्चंस को घुमा करके कैसे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, यानी कि उस एक टाइप का पूरा निचोड़ आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। आज के लिए इतना ही है, जितनी भी जो भी चीजें, जो भी टर्म्स, जो भी क्वेश्चन समझाए हैं, आई होप सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, सब कुछ दिमाग में अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।